हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दक्ष स्टडी सेंटर सलूम्बर द्वारा संचालित दक्ष यूट्यूब ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज मित्रों। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की और उन खबरों की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र लाइव आ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो मित्रों, जिससे आपको अधिक से अधिक जो है लाइव क्लासेस प्राप्त हो सके और आप उनका अधिक से अधिक उपयोग अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए कर सकें। तो मित्रों, आज क्या कुछ खास है उन पहले अपन देखेंगे, महत्वपूर्ण सुर्खियों पे नजर डालेंगे, उसके बाद में बड़े ही शानदार आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ, उनको सोल्व करेंगे और उनकी भी अपन जानकारी लेंगे। तो आइए मित्रों, अपन इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सभी मित्र एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बुला लीजिए और जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए और जो जगे हुए मित्रों उनके हाथ में कलम और नोटबुक थमा दीजिए, क्योंकि यही अपना लक्ष्य और यही अपना उद्देश्य मित्रों। ये कलम की क्रांति है जो रुकने वाली नहीं है मित्रों, और ये रुकने भी नहीं चाहिए। यानी आप इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं, अपने दोस्तों को जोड़ें और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी उन तक साझा करें, जिससे उन विद्यार्थियों का भी फायदा हो और वो भी इससे जुड़कर और आने वाले अपने भविष्य की जो है महत्वपूर्ण जानकारियां देख सके। तो मित्रों देखिए पहली आज की खबर, हाल ही में मंगावा नामक चूहे को बहादुरी के लिए पैडसा स्वर्ण पदक दिया गया। यानी चूहे को मित्रों, आप सोचोगे सर चूहे को, मैंने कहा हाँ मित्र, चूहे को स्वर्ण पदक दिया गया। कौन सा पदक मित्रों? स्वर्ण पदक जो है चूहे को दिया गया है। अपने आप में बड़ी ही अनोखी जानकारी आपके लिए, क्यों दिया गया, क्या दिया गया मित्रों? तो ये चूहा एक प्रकार का जासूस चूहा है, जो 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 माइंस होती उनकी ये जानकारी देता है। और सोमालिया में मित्रों इस चूहे को ये जानकारी या ये कार्य करने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। देखिए इसने मेडल पहन रखा है मित्रों। हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने पूर्व व्यापी कर मांग को लेकर भारत के खिलाफ 22,100 करोड़ रुपए की मध्यस्थता का मामला जीत लिया। यानी भारत से मित्रों वोडाफोन लेने वाला है 22,100 करोड़। यानी एक बार फिर से एक अर्थव्यवस्था को झटका ये और बड़ा लगने वाला है। क्रिकेट खेल में अभ्यास किया जाने वाला यो टेस्ट चर्चाओं में रहा मित्रों। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने भी जब विराट कोहली से फिट इंडिया थीम पर जब बात की थी तो यो को लेकर चर्चा की थी। इस यो को बहुत जानकारी में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में मशहूर संगीतकार SP बाला सुब्रमण्यम का निधन मित्रों। लगभग 4,000 से अधिक गाने जिन्होंने गाए हैं, हर युवा से लेकर बुजुर्ग तक जिनकी आवाज, गाने और कंपोजिशन जिनके मुंह पर या लब्जों पर है वो है SP बाला सुब्रमण्यम, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाल ही में विदेशी दुपहिया वाहन कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत से व्यवसाय समेटने का निर्णय लिया। बड़ी खबर मित्रों ये, यानी एक और अर्थव्यवस्था के लिए झटका है मित्रों, कि ये जो कंपनी है हार्ले डेविडसन, ये जो बाइक मित्रों आपको देख रही है ये बड़ी पसंद होती है। और बड़ी पसंद किनकी होती है मित्रों? ये जो युवा वर्ग है आज का, उनमें सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक है। ये बाइक बहुत महंगी होती है मित्रों, ये लगभग 18.5 लाख रुपए के आसपास की बाइक होती है मित्रों। और ये बाइक इसलिए मित्रों मार्केट से हट रही है या यहां से इसलिए जा रही है मित्रों, क्योंकि अब ये मित्रों पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी इतना टैक्स इस पे लग रहा है, भारत सरकार ने इतना टैक्स लाद रखा है, तो डेविडसन ने कहा भारत को बाय बाय, अब हम नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट, प्रख्यात मलयालम कवि अकिस्तम अच्युतन नव्यबित्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर समुद्री किनारे फंसने से 300 से ज्यादा पायलट वेल मछलियों की मौत हुई। यानी मछलियां अब खुद सुसाइड कर रही हैं, मछलियां समुद्र से बाहर आकर तटीय क्षेत्रों में आकर क्या कर रही है मित्रों? सुसाइड कर रही है। यह खबर भी बड़ी ध्यान देने वाली, और यह है मित्रों मोटिवेशन कोट, देख लीजिए। एक बार आपके सपनों को साकार करने के लिए, अपने में जोश भरने के लिए मित्रों फटाफट तैयार हो जाइए और एक बार जोरदार शेर मार दीजिए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए मित्रों। फिर उसके बाद जो है अपन आज की बड़ी क्लास की अपन रणनीति करते हैं और आगे मित्रों बढ़ते हैं। और क्या है आज में कुछ खास, देखिए बड़ा ही शानदार लिखा गया है।
बड़ा शानदार बात मित्रों आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है। जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है। अरे जो लोग दुनिया को पूछते रहते हैं कि मैं तैयारी कैसे करूं, मैं कौन सा विषय कब पढूं, मैं कितने अधिक घंटे पढूं, कितना मैं नहीं पढूं, तो मित्रों इन सब में यदि आपके पास में जुनून है, यदि आपके पास में जज्बा है, हिम्मत और हौसला है, तो अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से, या फिर डरता क्यों है, फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से? यह सिर्फ मंजिल ही नहीं, ये तेरे हौसलों की उड़ान है। यानी केवल मित्रों एक मंजिल नहीं है, वो तुम्हारे हौसलों की उड़ान है। जो उड़ान बढ़ती जानी है, उड़ते जाने हैं मित्रों। बहुत शानदार मोटिवेशन कोट है आप सबके लिए। अधिक से अधिक मित्र शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। मित्रों मैं फिर से कहूंगा, जो लोग सोए हुए हैं, जो आज आईपीएल और चुनावी रण में उतरे हुए हैं और इस पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं, वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को कहीं का नहीं पाएंगे और फिर कहेंगे हमारी तो अब दुनिया लुट गई। तो उन विद्यार्थियों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाइएगा। क्या मैसेज है? कि जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से? ये सिर्फ मंजिल ही नहीं, ये तेरे हौसलों की उड़ान है मित्रों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों ये आ चुका है, इसका जवाब दीजिए और अपने मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिए। और सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद मित्रों, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। चलिए देखिए मित्रों क्या है महत्वपूर्ण आज के लिए। बड़ा ही शानदार पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 में राजस्थान में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की स्वीकृति दी है। इन एकलव्य मॉडल जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, इनकी स्वीकृति दी है। तो कितने? 10, 15, 8, 7 ये एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे मित्रों, जिससे विद्यार्थी वहीं पे रहेगा और वहीं पे पढ़ेगा। मित्रों एकलव्य तो आपको याद होगा, सब मित्रों को, आप सभी जानते होंगे एकलव्य की कहानी पढ़ी होगी। अपने आप में इंस्पायरिंग, अपने आप में इंस्पिरेशन है मित्रों। एकलव्य नाम जहां पर आ जाता है, आंसर आ रहा है अधिकांश विद्यार्थियों का सी, यानी कि 8। बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, 8 जो है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खुलने वाले हैं। कहां पर मित्रों? राजस्थान के अंदर ये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खुलेंगे। इससे जुड़े हुए यदि और कोई फैक्ट्स हैं उनसे भी मित्रों मैं आपसे रूबरू करवा देता हूं। आप सभी मित्र जो है जुड़े रहिए और कमेंट को अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को जोड़िए। मित्रों हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान में वर्ष 2020-21 में 8 नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति दी है। इन 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया है। इन कौन बनाएगा? लोक निर्माण विभाग बनाएगा मित्रों। राजस्थान में इसका निर्माण उदयपुर जिले के झाड़ोल, देखिए सबसे पहले अपना उदयपुर का नाम आ रहा है, उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के गांव जोटाणा, लसाड़िया के कोण, मित्रों ध्यान रखिएगा लसाड़िया के कोण, और सलुम्बर के प्रेम नगर। अब भैया अरे सलुम्बर के प्रेम नगर में भी एकलव्य जो है स्कूल आने वाला है। और बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे के गांव परखेला, बागीदोरा, सागवाड़ा और सुजन गांव, और प्रतापगढ़ के पांचागुड़ा और नागडेरा मैं ये स्कूल लगाए जाएंगे। तो सभी को बधाई हो, ये एकलव्य स्कूल एक बार फिर से मित्रों शिक्षा में जो है एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाले मित्रों। और पिछले 2 दिन की जो खबरें हैं उनसे मैं थोड़ा सा व्यतीत हूं मित्रों। इस प्रकार के भावी शिक्षक आप अपना अधिकार है उसको मांग सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप गांधी जी की नीति अपनाएं। गांधी जी ने इन 200 सालों के अंग्रेजों के राज उखाड़ फेंके थे। तो इस प्रकार के शांति प्रिय मित्रों आंदोलन करूंगा मैं। सभी जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान न पहुंचाए, किसी भी प्रकार की हानि ना करें मित्रों। आंदोलनों में कुछ नहीं होता मित्रों, जिसका पूत सपूत चला जाएगा वो घर जो है जड़मूल से खत्म हो जाएगा, और जो राजनीति करने वाले हैं वो हमेशा अपनी राजनीति करते रहेंगे। आप अपनी मांग रखिए लेकिन सही व्यवस्थित और एक अच्छे मैनर के तरीके मित्रों, एक अच्छे, अरे आंदोलन करने वाले लोग
एक अन्ना हजारे हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 दिन तक अनशन किया है और उस अनशन के बदले उनको अधिकारों दिए गए मित्रों। तो इस प्रकार का आंदोलन नहीं कीजिए, एक अच्छे शिक्षक बनने वाले विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं मित्रों। तो ये सलूम्बर में भी अपने सलूम्बर का प्रेमनगर कहां भैया देखेगा, मुझे अभी पता नहीं है प्रेमनगर कहां है, लेकिन प्रेमनगर में भी अब प्रेम की बंसी बजने वाली है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। और ये मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका साथ में आंसर भी आपके दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आंसर आ चुका है, एडिटिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू राइज एकीकृत लॉन्च किया है, यानी न्यू राइज पोर्टल है मित्रों ये, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ ये प्रेमनगर कहां है ये पता लगाया जाएगा, प्रेमनगर कौन सा है। बताइए मित्रों, न्यू राइज एकीकृत लॉन्च कहां। अच्छा ये तो आंसर आपके सबके सामने है, अरे वाह क्या बात है, डी आंसर आ रहा है, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मित्रों ये न्यू राइज जो है ऐप डेवलप किया गया है, इसके द्वारा कैरियर काउंसलिंग होगी, कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, रोजगार की जानकारी दी जाएगी, जानकारी रोजगार देने की बात नहीं कर रहा हूं, रोजगार की जानकारी दी जाएगी और नए स्किल के कार्यक्रमों की जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो ये न्यू राइज एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया मित्रों, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। चलिए अब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्या महत्वपूर्ण खास खबर है मित्रों, आज क्वेश्चन सबसे ज्यादा मित्रों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आप सब जानते ही हो, और राजधानी मित्रों लखनऊ, जो कौन सी नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। जिन विद्यार्थियों को पहले पढ़ा हुआ है बार बार ये रिवाइज करवा रहा हूं मित्रों, जिससे आपको ध्यान में रहे करंट। बाल श्रमिक योजना यहां पर शुरू, बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी जो छोटे बालक जो रोजगार करने लग गए उनको विद्या दी जाए। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला राज्य पहला राज्य बन गया, वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला। प्रवासी राहत मित्र ऐप यहां पर है, आयुष कवच ऐप यहां पर है, मंडुवाडी है रेलवे स्टेशन बना बनारस रेलवे स्टेशन, राज्य पशु बारासिंगा है, राज्य पक्षी यहां का सार्स है, राज्य पुष्प मित्र पलास है, तलाश नहीं मित्र क्या पलास है, और वृक्ष है अशोक का, और मनरेगा में सबसे ज्यादा काम देने वाला राज्य भी कौन सा मित्रों, यूपी है, और राज्य हर्बल रोड प्रोजेक्ट वाला राज्य भी बन गया मित्रों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, थोड़ा सा आज एडिटिंग में क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सही किया था लेकिन आगे पीछे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देख लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, आपके सामने आ चुका है, हाँ बताइए अब 2000 पटवारी वाला और कौन सा रिजल्ट रह गया, भावना सब रिजल्ट तो आ गए, अब कोई रिजल्ट बाकी नहीं है पटवारी का। राजस्थान में किस नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्र के प्रमाण मिले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे, अरे राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हो या कोई भी हो, ये क्वेश्चन आने वाले राजस्थान के एग्जाम में आपको 100% मिलने वाला है, ये दावा है मेरा। देखिएगा कि नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्र के प्रमाण मिले हैं। लोनी, ये लोनी नदी है मित्रों, लोनी नहीं है, लोनी नदी है, चंबल बनास, और ये डी है मित्रों गगर नदी, जो नीचे चला गया थोड़ा एडिटिंग में क्या पता गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए। हाँ बताइए मित्रों क्या सही आंसर है, और क्लास को अधिक से अधिक मित्र लोग शेयर कर दें, यानी कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी घाटी के किनारे मित्रों ये योजना चल रही है, यानी कि ये जो पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्र के प्रमाण मिले हैं, बताइए मित्रों। सभी मित्र लोग जो क्लास को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को जोड़ लें, जिससे अपन मित्रों आगे की बात कर सकें और अन्य दोस्तों तक भी मित्रों जानकारी पहुंचाएं। चलिए इससे जुड़ी हुई स्लाइड्स है मित्रों, वो स्लाइड्स जो है मैं आपको बता देता हूं, जिससे और अच्छी सी जानकारी आपको मिल सके। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में बहने वाली लूनी नदी घाटी, यानी आंसर तो हो गया आपका लूनी नदी मित्रों, कौन सी होगी, लूनी नदी में पाषाणकालीन औजार, यानी पाषाणकालीन मित्रों ये ताम्र युगीन सभ्यताओं से प्राचीन होती है कि नहीं होती बताइएगा कमेंट करके।
तथा भित्ती चित्र के प्रमाण मिले। ये प्रमाण 50,000 साल से लेकर 20,000 वर्ष पुराने हैं, जिन्हें आदिम काल का कहा जा सकता है। इन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि ये आदिम काल के अवशेष हैं। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहां पर है? ये उदयपुर में मित्रों, ने मरुस्थली जिलों में जोधपुर सिरोही पाली में लूनी नदी घाटी में लगभग 50 साल पहले 1969 में उत्खनन कार्य शुरू किया था। यानी कौन कर रहा है उत्खनन कार्य मित्रों? जनार्दन राय नागर विद्यापीठ जो है विश्वविद्यालय, ये कार्य कर रही है। उत्खनन के दौरान यहां पर कोर, फ्लूटेड कोर, फ्लेक्स, त्रिभुजाकार नुकुले औजार और दो धारी नुकुले चाकू, पत्थर के भाले अग्रभाग व तीर का अग्रभाग, ब्लेड इत्यादि औजार मिले हैं। साथ ही पाषाण और ऐतिहासिक कालीन भित्ती चित्रों के प्रमाण भी मिले। सारे ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, त्रिभुजाकार नुकुले औजार कहां पर प्राप्त हुए हैं, इन सबसे मित्रों फ्लेक्स कहां पर प्राप्त हुए, ये सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण मित्रों। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो स्क्रीनशॉट भी मित्रों इसका ले लीजिएगा। तो आंसर कौन सी नदी है मित्रों? लूनी। अब आप देख लीजिएगा कि आपने क्या आंसर दिया और कैसे आंसर दिया है। ये मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त, सड़क विक्रेताओं के लिए मित्रों, ये सड़क विक्रेता का मतलब सड़क बेचने वाले नहीं है, इन्हें सड़क के किनारे जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, रोड साइड वेंडर यानी लारी लगाने वाले, सिंपल सी भाषा में अपन कह सकते हैं, के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। तो बताइए मित्रों क्या इसका सही आंसर होने वाला है, और सभी मित्र जो है क्लास को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को जोड़ लें मित्रों, जल्दी करें मित्रों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। किस राज्य ने यह काम किया है, किस राज्य के द्वारा यानी बिना लोन के पैसा दिया जा रहा है, फटाफट पता कीजिए और अपने वहां पहुंच जाइए और लोन ले लीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मित्रों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो देखिए अब क्या है ये योजना, यदि आप सोच ले जाए तो मित्रों ये एक्चुअली ये योजना मित्रों मध्य प्रदेश की, जहां पर 10,000 रुपए, कितने 10,000 रुपए, 10,000 रोड साइड वेंडर्स को दिए जाएंगे, रोड साइड वेंडर्स को, बस यानी 10,000 पूरे मध्य प्रदेश मित्रों, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, वहां 10,000 वेंडर्स को प्रति एक व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यह सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है मित्रों यह योजना लेकर आए। इससे जुड़े और फैक्ट्स देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल शुरू की, रोजगार हेतु कुशल श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान जारी किया, सबको मिलेगा रोजगार, यह भी मध्य प्रदेश का है। चरण पादुका पहल, जब जो लॉकडाउन हुआ था, जब मजदूर पैदल चल के जा रहे थे, उस समय यह चरण पादुका पहल शुरू की थी। जीवन शक्ति पहल मित्रों, मैंने बताया था कि जीवन शक्ति पहल में जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि वो क्या करें, वो मास्क बनाएं और सरकार को 11 रुपए में बेचे, इसी से जुड़ी हुई होगी, आप पता होगा रोको टोको अभियान, ये यहां लिखा हुआ है, यानी जो जा रहे हैं बिना मास्क के उनको रोको टोको और 20 रुपए का एक मास्क वही 11 वाला 20 में बेचो। जीवन अमृत योजना यहां पर है, टॉप पेरेंट ऐप जो मित्रों मध्य प्रदेश में, निष्ठा विद्युत मित्र मध्य प्रदेश में, प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया, किल कोरोना योजना मित्रों मध्य प्रदेश के, इंतजार आपका अभियान यानी कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी कहां पर मित्रों? मध्य प्रदेश में। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश में, कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश में, कर्मवीर पुरस्कार जो कोरोना में योद्धा जो काम कर रहे हैं पुलिस वालों उनको सम्मानित करने के लिए गया। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क कहां पर मित्रों? मध्य प्रदेश में। और ये सारे क्वेश्चन आज मित्रों थोड़े डिस्टर्ब हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबेल इस देश के नए प्रधानमंत्री बने, यानी इस देश यानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जवाब दीजिए मित्रों और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक।
बताइए मित्रों, मोहम्मद हुसैन रोबेल जो है या रोबेल किस देश के मित्रों प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने मित्रों सोमालिया के। कहां के बने मित्रों? सोमालिया के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया के प्रधानमंत्री हो गए मोहम्मद हुसैन रोबेल या रोबेल, ये यहां के नए प्रधानमंत्री सोमालिया के नियुक्त किए गए मित्रों। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन मित्रों, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, राजस्थान के नावा में भारत का पहला रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो यह किस जिले में है? यानी भारत का पहला रेलवे ट्रैक बन रहा है तो बताइए किस जिले में है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। बताइए मित्रों, ये डी ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, कोटा। तो ये नावा कहां पर है? आपको ये मित्रों कमेंट करके जवाब देना है कि नावा राजस्थान में कहां पर है, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, जहां पर भारत का पहला रेलवे ट्रैक बन रहा है, बताइए। और क्लास को शेयर करें मित्रों, सभी मित्र जो है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करें। इससे जुड़ी हुई और जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूं मित्रों। जयपुर के, जयपुर में नावा, यानी जयपुर में पड़ता नावा के समीप देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक बन रहा है। कैसा मित्रों? ट्रायल ट्रैक बन रहा है। जल्दी देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा, जहां नई ट्रेन या बोगियों के संचालन का ट्रायल किया जाएगा। यहां 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हाई स्पीड रेगुलर और गुड्स वैगन ट्रायल रन कर सकेंगे। यानी कि जो ट्रेन बनेंगे, नई बोगियां बनेंगी, नए डिब्बे बनेंगे, नए इंजन बनेंगे, उनका क्या होगा? यहां पे ट्रायल होगा। इस ट्रैक की स्वीकृति 2018-19 में रेलवे के बजट घोषणा में हुई थी। ट्रैक की कवायद रेलवे के तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाले एकमात्र अनुसंधान संगठन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। यह भी याद रखना है कि RDSO क्या है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किए। इसके लिए 160 करोड़ रुपए का क्या मित्रों? बजट मिल चुका है। तो ये सारी जानकारी भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्लासेज को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को जोड़ते रहें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मित्रों? जयपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? यानी आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? बांग्लादेश में, नेपाल, श्रीलंका और रूस। कौन से दो देशों के मध्य आभासी मैं देखता रहूंगा, हमको दिखता नहीं, क्या नहीं दिखता भाई? प्रभु प्रभु राना, शेयर करें मित्रों क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक तो, और अपने मित्रों को जोड़ें। आजकल ये बच्चे कहां गायब हो गए सारे के सारे, सबकी नौकरी लग गई यूं लग रहा मेरे को। यानी हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका जवाब दीजिए। आभासी मतलब मिले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय हो गया मित्रों। तो वो हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य ये द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ मित्रों। ठीक है, अब भारत श्रीलंका की राजधानी क्या है मित्रों? आप जानते होंगे क्या है? कोलंबो। इसके अलावा इसकी एक और राजधानी है जयवर्धनेपुरे। पूरे करेंसी क्या है मित्रों यहां की? तो रुपया, ये अपन बात कर लें कि श्रीलंकन रुपया बोल सकते हो, और तो क्या बोलेंगे? महिंद्रा राजपक्षे यहां का प्रधानमंत्री, तो पता होगा अभी कुछ समय पहले अपन बने थे ये महिंद्रा राजपक्षे, और इसी का भाई जो क्या है यहां का राष्ट्रपति है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखो, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? क्या बोलते हैं इसको? पाक डमरू जल संधि। ठीक है मित्रों, वो भी आपको ध्यान रखना है, पाक जल डमरू संधि या पाक जल डमरू मंडल संधि बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों आपके सामने। हाल ही में राजस्थान के बिजीएसी गांव में हड़प्पा कालीन आभूषण प्राप्त हुए। मित्रों देखिए सभ्यताओं से जुड़ा हुआ आज ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बिजीएसी गांव में हड़प्पा कालीन सभ्य आभूषण प्राप्त हुए, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर और कालीबंगा, बताइए कौन से जिले में। मित्रों ये बिजीएसी गांव आपको बताना है कि कौन से जिले में है ये बिजीएसी गांव, जल्दी कीजिए मित्रों, आपने कमेंट दीजिए, मैं आपसे इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स है सारे सामने आपको रख देता हूं। राजस्थान के बिजीएसी गांव में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण मिले, यानी मनरेगा की खुदाई चल रही थी उसी खुदाई के दौरान ये हड़प्पा कालीन सभ्यता मिले। पुरातत्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ है, गांव के जोड़े में 31 अगस्त को मनरेगा की खुदाई में 4 फीट नीचे मिट्टी के बर्तनों में ये आभूषण मिले। यहां आभूषणों के साथ साथ जली हुई हड्डियां भी मिली हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह शमशान भूमि की जगह रही होगी। पुरातत्व विभाग के अनुसार यहां से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर 4 से 5 किलोमीटर में फैले कई टीले हैं, इन टीलों में हड़प्पा संस्कृति से जुड़े कई अवशेष मिले। वहीं सीकर में इससे पहले गणेश्वर और झुंझुनू जिले में छावसरी हड़प्पा कालीन सभ्यता कई नमूने मिल चुके हैं। ये मिले स्वर्ण आभूषणों में एक 10 सेंटीमीटर व्यास की एक बड़ी पत्ती है, एक 20 सेंटीमीटर अर्धचंद्राकार गले का आभूषण है और एक 9 सेंटीमीटर की एक राड है, चांदी का तार, 17 सेंटीमीटर लंबी तांबे की रोड है। पुरातत्वविद गणेश बेरवाल के अनुसार बिजियावासी गांव में मिले आभूषण 3000 BC से 1800 BC के बीच के हैं, इसमें मृत भांड और आभूषण भी शामिल हैं। तो मृत भांड भी मित्रों यहां पर मिला, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बिजीएसी कहां पर पड़ता मित्रों? ये पड़ता मित्रों सीकर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सीकर में। तो अब ये सारी जानकारी सारी डिटेल मेरे हिसाब से आपको मिल गई होगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया मित्रों? सीकर इसका जो है आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं मित्रों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को महरूम कलर के पासबुक जारी करने की घोषणा की है? यानी जिनके पास में गैर कृषि संपत्ति है उनको महरूम कलर के पासबुक जारी की जाएगी। हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बताइए मित्रों कहां ये शुरुआत की गई है महरूम कलर वाली? बता दीजिए फटाफट मित्रों। तो इसकी शुरुआत हुई है और क्लास को शेयर करते रहे मित्र लोग। कहां शुरुआत हुई मित्र बताइए? बी अधिकांश विद्यार्थी जवाब आ रहे, यानी तेलंगाना। बिल्कुल सही जवाब मित्रों, तेलंगाना में जो है महरूम कलर की या महरून कलर की जो है पासबुक जारी की है गैर कृषि संपत्ति रखने वाले लोगों के लिए। अब तेलंगाना की राजधानी सबको पता होगी, हैदराबाद, मुख्यमंत्री यहां के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल मित्रों तमिलसा सुंदर राजन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी आपके साथ आ गया। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। यानी विकसित परमाणु सक्षम का जो है सतह से सतह पर मार करने वाला है इसकी मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां किया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो आपके सामने दिख रहा है उड़ीसा यहां पर लिख दिया गया, इसका मतलब आंसर भी क्या होगा? उड़ीसा। ये तो सबका सही आंसर होने वाला है, ठीक है मित्रों। तो उड़ीसा की राजधानी आप जानते हो भुवनेश्वरम है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। आप सुना करो मित्रों, आप आते ही क्लास को शेयर कर दिया करो, फिर आराम से तल्लीनता के साथ सुना करो, पीडीएफ आपको मिली जाती है तो आराम सुनिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है मित्रों? मोहम्मद रफीक है।
हीरो टू एनिमल अवार्ड किनको गया? नवीन पटनायक को गया। नुआखाई महोत्सव का मनाया जाता है, यही मनाया जाता है। नुआखाई का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा था कि नया जब अनाज आता है तो उसका पर्व मनाते हैं उड़ीसा में नुआखाई। गरिमा नामक पहल यहां पर है। कालिया योजना, बलराम योजना, समुचे उड़ीसा पहल, रज पर्व महल, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और है मित्रों गमीरहट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। और इसके अलावा डीआरडीओ ने अभ्यास सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अभी अपन ने करंट में ये क्वेश्चन देखा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कार कंपनी, किस करनी मित्रों, किस कार कंपनी ने अपनी कार को, कार की सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया? यानी जो अब कार नहीं खरीद पा रहे हैं या जो कार खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी कार चाहते हैं, उनके लिए इस कार कंपनी ने सदस्यता अभियान चलाया कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप कार ले जाइए और फिर वापस छोड़ जाइए और इसका एक सदस्यता शुल्क होगा। तो यह किसने मित्रों शुरुआत की है, किसने इसकी शुरुआत की, बताइए मित्रों फटाफट से जवाब दे। तो ये इसकी जो शुरुआत की है मित्रों, बताइए, देखिए सभी मित्र लोग कमेंट करिए, ये किए मित्रों मारुति सुजुकी ने। किसने शुरुआत की मित्रों? मारुति सुजुकी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और अब ये पूरे देश में नहीं मित्रों, अभी केवल ये नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम क्षेत्र में शुरू हुई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम, यहां पर यदि ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे भारतवर्ष में जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। यानी अब कार खरीदने की आवश्यकता नहीं, कार आपको चाहिए तो वैसे ही आप कार ले जाइए, ठीक है मित्रों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुरेश अंगड़ी का निधन या अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। ये किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? हां, अभी एक मंत्री भी मित्रों कोरोना की चपेट में आ गया और मंत्री साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सुरेश अंगड़ी या आंगड़ी जो थे ये किस मंत्रालय से थे? वित्त मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, रेल मंत्री थे या विदेश मंत्री थे मित्रों, बताइए। देखिए सभी मित्र जो है इसका जवाब दे कि सुरेश अंगड़ी का जो निधन हो गया वो कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे? तो ये थे मित्रों रेल मंत्री में, क्या थे? राज्य मंत्री थे। रेल मंत्री राज्य मंत्री जो होते ना वो ये थे मित्रों, रेल राज्य मंत्री थे। आंसर इसका जाएगा सही जाएगा सी, आंसर सही जाएगा। अब जिन्होंने बी दिया है वो देखें और इसको ध्यान रखें। चलिए अब इससे जुड़े हुए फैक्ट्स देख लीजिए। आंसर तो आएगा सी, ये 65 साल के थे और कर्नाटक के बेलगांव से लोकसभा सदस्य थे, 4 बार सांसद रह चुके थे। इन्हें 11 सितंबर को कोरोना डिटेक्ट हुआ था, कब? 11 सितंबर को। बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगड़ी ने ट्वीट किया था, मैं कोरोना जांच के बाद संक्रमित पाया गया हूं, मेरी स्थिति ठीक है। लेकिन 23 सितंबर को, देखिए अब आप देखिए इस कोरोना का हाल क्या है, यानी 11 सितंबर को आदमी पॉजिटिव आ रहा है और मंत्री जैसा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो आप और मैं तो हैं क्या मित्रों? जिन मंत्रियों को जेड सुरक्षा होती है वो जेड सुरक्षा भी इस कोरोना को नहीं बचा पा रही। और 23 सितंबर को मित्रों इनका दुखद निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के पहले सदस्य जिनकी कोविड-19 की वजह से जान गई है। अगर बात सांसद की होगी तो ये राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती के बाद दूसरे सांसद हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई। इसका मतलब कोरोना से मौत होने वाले सांसद तो गए 2 और मंत्री अभी पहला है मित्रों, यानी 90,000 की जनसंख्या पे 1 मंत्री और 2 सांसद मित्रों अभी गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है। इसका आंसर वैसे आपके सामने आ गया, बाकी तो आपको फालूदा बनने वाला था। पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? पेपर टेस्ट, फालूदा टेस्ट, कोविड पेपर टेस्ट और स्ट्रिप कोविड टेस्ट, तो क्या आंसर है? अब मेरे हिसाब से यह तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको सारी दे दूंगा। इसकी जानकारी मित्रों मैं आपको सारी दे दूंगा। क्लास इतनी शानदार है यार, आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो आप सब मित्र जो है ना क्लास को शेयर भी कर दिया करो यार, इसके पैसे नहीं लगते शेयर करने के, है ना? पेपर टेस्ट, फालूदा टेस्ट, कोविड पेपर टेस्ट और स्ट्रिप टेस्ट, तो आंसर है फालूदा। तो याद रखिएगा, अब फालूदा आ चुका है। क्या आ चुका भैया? अब फालूदा आ चुका है। आप बोलोगे सर काई का फालूदा आ गया, अरे तो मित्रों फालूदा का मतलब हो गया यहां पर
कि ये फालूदा आ गया कोविड से रिलेटेड फालूदा, जो अब जांच करेगा। अब देखिए क्या है ये फालूदा, इसकी सारी जानकारी आपके सामने मित्रों में रख रहा हूं, एक एक जानकारी। मित्रों मैंने कहा ना आज क्वेश्चन रोजाना से डबल है, लेकिन आपकी एनर्जी मित्रों डबल नहीं है, आप लोगों की एनर्जी जो है ना बहुत कम है। मित्रों इस एनर्जी को थोड़ा बढ़ाओ, अपने दोस्तों को जगाओ, क्योंकि मित्रों कर भला तो हो भला, आप किसी के लिए अच्छा कीजिए तो आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या होगा मित्रों, अच्छा होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें, यानी अपने आप आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ये बात मित्रों बिल्कुल निश्चिंत है, और आप निश्चिंत होकर इस बात पर विश्वास भी कर सकते हो। एकमात्र 30 मिनट में जांच रिजल्ट बता देगा, यानी मात्र 30 मिनट में, जो पूरा दिन लगता है अब इतना टाइम नहीं लगेगा। CISR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, CISR देख रहे फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। टीम का नेतृत्व देव ज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैत्री कर रहे हैं, ये नाम ऐसे ही मित्रों कोई मिसप्रिंट नहीं है। नेतृत्व डॉक्टर जेब ज्योति चक्रवर्ती सैनिक मैत्री कर रहे थे। इस टेस्ट का नाम है, टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने काल्पनिक जासूस चरित्र फेलुदा के नाम पे रखा गया। अरे वाह, देखो फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको यहां मिल रही है। अब बताओ और क्या जानकारी चाहिए मित्रों आपको, है इतनी शानदार आपको जानकारी दी जा रही है कि इसका जो नाम है वो फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूस जो चरित्र था फेलुदा के नाम पर रखा गया। फेलुदा और उनके दो काल्पनिक साथी बंगाली साहित्य के प्रमुख किरदार बने रहे। कैसे काम करेंगे, फेलुदा टेस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेप की तरह काम करता है, यानी जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है 2 मिनट 5 मिनट के अंदर पता लग जाता है, ये 15 मिनट के अंदर मित्रों रिजल्ट बता देगा कि भैया कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा, ऐसा ही प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। इसका इस्तेमाल पैथ लैब में किया जा सकता है, यानी आप सामान्य तौर पे होना मुश्किल है क्योंकि वायरस संक्रमण फैलने का डर रहता है, इसलिए होगा कहां पर, जांच कहां होगी, पैथ लैब में ही होगी। इसका इस्तेमाल पैथ लैब में किया जा सके, यानी सामान्य लोगों को नहीं मिलने वाला। डॉक्टर देबो ज्योति चक्रवर्ती के मुताबिक CAS9 प्रोटीन का बारकोड किया गया, यानी इस प्रोटीन से पता लगेगा मित्रों। ये पूरी जानकारी आपके सामने, ताकि ये मरीज के जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस सिक्वेंस का पता लगा सके, कौन सी प्रोटीन, CAS9 प्रोटीन के द्वारा कोरोना वायरस की सीक्वेंस पता लगेगी। इसके बाद CAS19 और SARS-CoV-2 कॉम्प्लेक्स को पेपर स्ट्रिप पर रखा जाता है। यहां दो लाइन, एक कंट्रोल और एक टेस्ट बताती है कि मरीज का COVID-19 है या नहीं है। फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपए का खर्च आता है, कितना आएगा 500 रुपए का, जो अभी 4000 रुपए, 1500-2000 रुपए क्या जो भी है, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 1600 रुपए से 2000 रुपए तक लग रहे हैं अभी जो टेस्ट हो रहे हैं। फेलुदा स्वदेशी CRISPR और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यह भी आपको सामने जानकारी रख रहा हूं पूरी पूरी। CRISPR टेक्नोलॉजी क्या है सुनिएगा इसके बारे में भी, CRISPR की फुल फॉर्म देखो, यानी क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेड सोर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। अब आपको लगेगा सर इतनी भारी भरकम लैंग्वेज आप क्यों लेके आए हो, हमारे बस की बात नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है मित्रों। जो हिम्मत हार जाते हैं उनको जिंदगी में कोई नहीं जीता सकता, जो खुद हार गए, जिनों का मन हार गया, उनको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, कितना भी प्रोत्साहित कर दे, वो कभी नहीं जीत सकता। ये सारी इजी टेक्निक्स हैं, आप इनको बार बार पढ़ोगे सारी आपके सामने समझ में आ जाएगी। आज पहली बार ये टेक्नोलॉजी आई है इसलिए आपको थोड़ा जोर आ सकता है मित्रों, ठीक है ना। तो ये इसकी मैंने फुल फॉर्म आपके सामने रख दी। इसके जेनेटिक डिफेक्ट्स दूर किए जाते हैं और रोग को फैलने को से रोकने और उसके उपचार में इस्तेमाल होता है। CRISPR टेक्नोलॉजी DNA सीक्वेंस और जीन फंक्शन को बदलती है, आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है ये टेक्निक DNA और जीन फंक्शन पर आधारित है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य में अन्य बीमारियों को डायग्नोस करने में भी किया जा सकता है। अमेरिका में मई में ही इमरजेंसी हालत में COVID-19 टेस्ट के लिए दुनिया की पहली CRISPR बेस्ट टेस्ट की मंजूरी दी थी, यानी अमेरिका मित्रों ये मई में ही शुरुआत हो गई थी। इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था अमेरिका में। चलिए मित्रों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक आ गया। क्लियर यहां तक, अरे कुछ खबर पड़ रही है क्या मित्रों, देखो सीख जाओगे चीजें, ज्यादा भारी नहीं मित्रों।
टेनिस विमेन सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम गया? अभी ये तो मित्रों रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पता है आपको रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट इसलिए करवाया मित्रों कि आपको पक्का पक्का याद हो जाए। तो दीजिए जवाब कौन है वो, आत्मजा सांचेज विकारियो, अलोना बोंड्रो बोंडारेको, सिमोना हालेप और आई सुगियामा। टेनिस विमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम रहा मित्रों? ये गेम्स के क्वेश्चन मित्रों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका आंसर है सिमोना हालेप। क्या नाम मित्रों? सिमोना हालेप। सी जिनका आंसर सही है, ये देख लीजिए आंसर सिमोना हालेप। रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है, यानी कि पहली बार मित्रों इन्होंने तो अपने नाम कर लिया, सिमोना हालेप ने क्या नाम कर लिया, इटालियन ओपन का खिताब। टॉप सीड हालेप ने फाइनल में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिसकोवा, अब नाम ऐसे ही है भैया है ना, तो इसको 6-0 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन तभी प्लिसकोवा चोटिल हो गई, यानी जो बढ़त बनाई थी उसकी किस्मत अपन कह सकते हैं थोड़ी कमजोर थी, चोटिल हो गई और फिर वह दोबारा कोर्ट पर नहीं आई। इसके बाद हालेप को विजेता घोषित कर दिया गया, यानी दो ही कैंडिडेट हो मैदान में, दो सीट हैं, दो ही आदमी हैं, अब इनमें एक चोटिल हो गया तो एक का तो पक्का नंबर आना है और यहां तो एक ही है। इसके बाद हालेप को विजेता घोषित कर दिया। हालेप 2017-2018 के फाइनल में हार गई थी। हालेप अब 27 सितंबर को फ्रेंच ओपन में खेलेगी। इटालियन ओपन जीतने के बाद हालेप का ये 22वां WTA और क्ले कोर्ट का 9वां खिताब है। ये सारी जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट, टेनिस मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आज के क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत धांसु क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही धांसु क्वेश्चन है। हाँ मैं बायोलॉजी का टीचर हूं सर, मैं बायोलॉजी का इनमें सारे विषय पढ़ा देता हूं मित्रों, आप लोगों का सहयोग रहता है इसलिए। हाँ बाकी मैंने बायोलॉजी खूब पढ़ी है, यानी बायोलॉजी जो है मित्रों 2006 से लेके और 2015 तक मैंने बायोलॉजी भी खूब अध्ययन किया है। टेनिस मैन सिंगल इटालियन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? डियोगो सार्जमैन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और आंद्रे अगासी। मैंने कहा था ना आज बहुत क्वेश्चन लेके आए हो मित्रों, आप लोगों का सहयोग थोड़ा कम प्राप्त होता है, बाकी तो मैं आपको यूपीएससी तक के सारे यहां क्लियर करवाता रहूं और आपके लिए क्लासेज से क्लासेज में बढ़ाता रहूं, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग थोड़ा थोड़ा कम है, फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार से सहयोग जो है कंटिन्यू बनाए हुए। बाकी कुछ लोग तो सो चुके हैं। आंसर है मित्रों जोवा का जोकोविच, यानी बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही आंसर है। नरेंद्र जी कोरोना पे भी ले आऊंगा, कोरोना पे भी ले आऊंगा, हाँ बिल्कुल ले आऊंगा। नोवाक, ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, ये राजस्थान पुलिस के 5-7-10 दिन पहले लाऊंगा, मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने तैयार करके। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 21 सितंबर 2020 को इटालियन ओपन फाइनल जीतकर रिकॉर्ड 36वां मास्टर खिताब अपने नाम कर लिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 36वां मास्टर खिताब किसने जीता, ये नाम मित्रों थोड़ा सा आराम से लिखना, और ये PDF तो आपको मिल रही होगी टेलीग्राम में, जिनको नहीं मिलती मित्रों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और फिर भी नहीं मिल रही तो ये मेरे नंबर है 7737500308, इन पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सर्बिया के इस खिलाड़ी को ये 5वां रोमन खिताब मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बताइए मित्रों NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, दीजिए जवाब जल्दी से, और सभी मित्र जो है क्लास को लाइक करें शेयर करें। और आज तो प्रताप सिंह भी आ गए भाई अपनी क्लास में। हाँ बिल्कुल कोरोना, तो कोरोना के बहुत सारे क्वेश्चन अपन रोजाना, जो विद्यार्थी देखो एक दिन में कोरोना कोरोना में करूंगा ना एक घंटे तक, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आप रेगुलर मित्रों करंट की क्लास मेरे अटेंड कर रहे हो ना, मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने आप करंट से जुड़े रहो मेरे से, आपको करंट में कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी बीट नहीं कर पाएगा 6 महीने यदि आप कंटिन्यू रहो, क्योंकि फिर जो रोजाना रिपीट होती है ना वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी मित्रों। ये जो पहली बार जो विद्यार्थी देखता है उसके लिए बहुत भारी लगता है कि ये क्या रामायण यार, इतना लंबा चौड़ा सेशन ले रहा है, इतना फटाफट आंसर दे रहा है, इतना फटाफट ये टॉपिक को आगे लेके जा रहा है,
तो थोड़ा स्पीड से जरूर चलता हूं मित्रों में, इसका आंसर दे दीजिए मित्रों, क्या आंसर है? इसका आंसर है मित्रों डी, इसका सही आंसर है डी। अधिकांश विद्यार्थियों गलत जवाब है। अनिल दसमाना जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने, अनिल दसमाना, ये देख लीजिए मित्रों। और ये क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ पहले, पूछने के बावजूद मित्रों आप जो है गलत करते हो तो ये थोड़ा मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अनिल दसमाना, इसकी घोषणा 18 सितंबर की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, और आपको यकीन नहीं तो मेरे पुराने वीडियो यानी दो दिन पहले का वीडियो देख लेना, उसमें ये था ये क्वेश्चन, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आज और मैंने आपको साझा करने के लिए लेके आया हूं। अनिल दसमाना, इसकी घोषणा 18 सितंबर को की थी। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के पूर्व, मैंने बताया था कि ये रॉ में पूर्व सदस्य थे, यदि याद आए आपको तो याद करो, पूर्व अनिल दसमाना को 2 साल के लिए एनटीआरओ का नया अध्यक्ष बनाया गया। दसमाना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। एनटीआरओ तकनीकी संस्था जिन पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। अनिल दसमाना को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का करीबी माना जाता है। अरे डोभाल साहब के लिए तो सैल्यूट होता भाई, ठीक है ना। दसमाना के नेतृत्व में ही फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा प्लान और ऑपरेशन का अंजाम दिया गया था। यानी जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना, ये वो लोग थे जो देश की अस्मिता, देश के यश कीर्ति और देश को किसी के सामने झुकने नहीं देते मित्रों, ये वो शख्सियत हैं। लेकिन इसके लिए इनका फौलादी सीना है, इनके अंदर वो माइंड है, और वो माइंड मित्रों पैदाइशी नहीं है, माइंड मित्रों किसी जीन में नहीं आता। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत बड़े विद्यार्थी कहते हैं सर मोटिवेशन के वीडियो नहीं लाते आप। अरे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। और मैं तो एक सिंपल सी बात कहूंगा, अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, सुनिएगा मेरी बात को, अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, यानी कि अपने बाप दादाओं, अपने पूर्वज खेती किया करते थे, यानी कि क्या करते थे, आज भी करते हैं, यानी वो वहां पर कोई एक नया जनरेशन नया पौध लगाते थे। बारिश कम होगी तो कैसी फसल करेंगे, बारिश ज्यादा होगी तो कैसी फसल होगी, कब फसल उगाना है, सारा का सारा उनके जीन में है। तो मित्रों आपके भी वो जीन में है, उन्होंने फसल उगाई है, आप राजस्थान पुलिस बन सकते हो, अपने अंदर राजस्थान पुलिस पैदा कर सकते हो, अपने अंदर अध्यापक पैदा कर सकते हो, अपने अंदर आरएएस पैदा कर सकते हो, अपने अंदर आईएएस पैदा कर सकते हो, क्योंकि मित्रों अपन तो फर्टाइल हैं। अरे अपन तो क्या है, फर्टाइल है, भारत की जमीन, भारत की ये माता, भारत की ये भूमाता बंजर नहीं है, ये फर्टाइल है, या एक से बढ़ के एक वीर योद्धा पैदा हुआ है। तो फिर मेरे ये आज के युवा, इनको जरूरत क्यों पड़ती है मोटिवेशन की, इनको समझना पड़ेगा कि मेरे पूर्वजों में तो वो खून है जो जनक है, तो आप भी जनक बन सकते हो। उन्होंने, हो सकता है, एक विद्यार्थी मेरे को बोल रहा था सर मेरे तो परिवार में आज तक 50-50 पीढ़ियों तक कोई नौकरी नहीं लगा, सर मैं कैसे लगूंगा। मैंने कहा ये कैसी बात हुई, तेरी पीढ़ियों की पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं लगा, तू नहीं लग सकते, कहां लिखा हुआ भाई, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ मित्र। वो पैदा करते हैं और वो कभी नेगेटिव नहीं होते मित्रों। किसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं अभी खेत में यदि अन्न डाल रहा हूं तो यार बारिश आ जाएगी तो क्या होगा, ओले पड़ जाएंगे तो क्या होगा, भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा यदि किसान सोच ले तो माथा पकड़ के बैठ जाए, और फिर ये सोच ले कि सरकार भाव देगी कि नहीं देगी, एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे फिर तो खेती करना ही बंद कर दे। लेकिन अपने किसान, मैं किसान का बेटा हूं, मैं ये फक्र है मुझे कि मैं किसान का बेटा हूं, और वो किसान ही है जो हर समस्याओं से जूझता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। तो आप सब भी किसान वर्ग से आते हो, आप सब भी किसान के बेटे बेटियों हो, आप सब भी किसान के लाला हो, लाल हो, तो आप भी अपने अंदर वो एनर्जी, अपने अंदर वो जुनून होना चाहिए कि किसान पूरे रात भर ठंड, जब सर्दी की कड़ाके की सर्दी कैसी पड़ती मित्रों, उस कड़ाके की सर्दी के अंदर वो खेत में खड़ा रह सकता है जिसमें आपको दो दो रजाई ओढ़नी पड़ती हैं। तो याद कर कभी कभी कर लिया करो कि यदि यार वहां मुझे खड़ा रहना पड़ेगा कितने तकलीफ होगी, इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लूं। तो ये है मित्रों, ये अपने वो योद्धा हैं जिन्होंने, किसान वर्ग से आते हैं ये अजीत डोभाल और अनिल दसमाना दोनों किसान वर्ग से हैं मित्रों, और आज भारत की पूरी सत्ता, पूरे के पूरे आईएएस, पूरे पूरे आरएएस, आप देखो 99% डॉक्टर्स देख लो, इंजीनियर देख लो, आप 99% बोल रहा हूं किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके बाप दादा कभी खेती नहीं किया करते थे, और जो नहीं भी करते वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मित्रों किसान से जुड़े हुए हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने 1983 में रो ज्वाइन किया था और 2019 में आम चुनाव चलते इन्होंने अपना विस्तारित कार्यकाल शुरू होने से कुछ महीने पहले पद छोड़ दिया था, यानी रो का पद छोड़ दिया था। अब देखो एनटीआरओ क्या है, ये तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन होती है, यानी अजीत डोभाल के अधीन ये काम करेंगे और मोदी जी का अधीन काम होगा। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसके पास भारत के कई सैटेलाइट जैसे ये याद रखिएगा RIS-81 RIS-82 के डेटा का प्रयोग करने की भी अनुमति है, यानी इन डेटा का ये उपयोग कर सकते हैं। चलिए मित्रों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मित्रों मैं आपको करा चुका हूं, आशा करता हूं आप सबको ये आंसर आना चाहिए। बताइए मित्रों आंसर दीजिए, क्या सही आंसर जाने वाला इसका। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अंग रीता शेरपा 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया, इन्होंने कितनी बार चढ़ाई की, ये क्वेश्चन भी मित्रों मैं रिपीट करवा रहा हूं, आशा आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितनी बार चढ़े थे, पहले मैंने ये पूछा था कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला का निधन हो गया इसका नाम क्या है, आज मैंने ये पूछ लिया कि कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उस दिन मैंने आपको बताया था कितनी बार चढ़े थे, बताइए मित्रों कमेंट कीजिए। बाकी इसकी सारी जानकारी मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। जो रेगुलर क्लास नहीं देखते उनके मित्रों आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। इसका आंसर है मित्रों 10। क्या मित्रों 10 बार जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, रीता शेरपा जो कहां के मित्रों नेपाल के हैं, इसका आंसर देख लीजिए यहां पर 10 बार उन्होंने चढ़ाई की है मित्रों, कितनी बार 10 बार। इनका निधन काठमांडू स्थित आवास पर हुआ। इन्हें स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से जाना जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ के नाम से किन्हें जाना जाता था। ये लीवर की खराबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, इसलिए इनकी क्या हो गई मित्रों मृत्यु हो गई। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरंग ने कहा कि शेरपा ने 1983 से 1996 के बीच में 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को पता किया था, 83 से 1986 के मध्य मित्रों, यानी 83 से 96 यानी कि 7 और 6 लगभग 12-13 साल के अंदर 10 बार ये ऊपर जाके आ चुके थे। दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया था। दिसंबर 1987 में ठंड के मौसम में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति बनने पर भी इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार वी भुरंजन चौधरी का 20 सितंबर 2020 को निधन हो गया, ये किस राज्य से थे ये बता दीजिए, किस राज्य के रहने वाले थे मित्रों बताइए। तो ये थे मित्रों असम राज्य से, क्वेश्चन अभी बहुत सारे बच रहे मित्रों, थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं। क्या आंसर मित्रों असम, यानी वीर भुरंजन चौधरी जो है ये संगीतकार थे और 20 सितंबर को क्या हो गया निधन हो गया, आंसर देख लिए सी आंसर यानी असम। प्रसिद्ध संगीतकार वी भुरंजन चौधरी कैंसर से जूझ रहे थे। वी भुरंजन गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीबोन और बातोत में संगीत देने वाले असम राज्य के फिल्म वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष के पद पर से सेवानिवृत्त हुए थे। संगीत निर्देशन के रूप में उनकी पहली फिल्म 1987 में सूत्रपात और 2017 में आखिरी फिल्म ए मिट्टी थी। मुख्यमंत्री कौन है मित्रों असम के, तो सुबोनद सोनवाल है और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय रेंड पांडा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल रेंड पांडा दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में मित्रों मैंने आपसे चर्चा की है। दीजिए मित्रों क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी मित्र लोग, अंतर्राष्ट्रीय रेंड पांडा दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था इसकी तिथि कोई निर्धारित नहीं है, हां लेकिन सामान्यतः यह इस महीने के इस वीक में मनाया जाता है, और वही क्वेश्चन मैं फिर से लेके आ चुका हूं कि इसका सही आंसर क्या जाने वाला है। दो सितंबर के पहले शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार और सितंबर के चौथे शनिवार।
सितंबर के लास्ट में मनाया जाता है बिल्कुल मित्रों, लेकिन अब मैंने पूछ लिया यहां पर ऑप्शन देखो शनिवार आ गया मित्रों। जब शनिवार की बात करेंगे अंतिम सप्ताह में होगा, लेकिन वो तीसरा शनिवार होगा मित्रों। क्या होगा? सितंबर के तीसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार। इस बार 19 सितंबर को मनाया गया था, सितंबर के तीसरे शनिवार को, 19 सितंबर को मनाया था मित्रों, ध्यान रखिएगा। लाल पांडवों के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए यह मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में रेंड पांडा नेटवर्क से की थी। 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेंड पांडा दिवस मनाया गया था। लाल पांडा के बारे में, लाल पांडा की दो अलग अलग प्रजातियां हैं। इसमें पहली एल्यूरियस फुलगेंस है, जिसे आमतौर पर हिमालयन रेंड पांडा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, दो प्रजातियां, एक हिमालयन रेंड पांडा और दूसरा एल्यूरियस फुलगेंस स्टाइन, ऐसा ही नाम है मित्रों, जिसे आमतौर पर चाइनीज रेंड पांडा, यानी एक हिमालयन रेंड पांडा और एक चाइनीज रेंड पांडा कहा जाता है। आनुवंशिक रूप से लाल पांडा मांसाहारी प्रजाति संबंधित है, जबकि ज्यादातर बांस की शाखा, मशरूम और सही पक्षियों के अंडे और कीड़ों को भी खाते हैं। इन लाल पांडाओं की औसत उम्र 23 साल होती है। मादा पांडा 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देता है। रेंड पांडा नेटवर्क के संस्थापक ब्रायन विलियम्स और मुख्यालय यूजीन ओरेगन में है। मुख्यालय कहाँ है? यूजीन ओरेगन में है और अध्यक्ष हैं संस्थापक इसके ब्रायन विलियम्स। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, मैंने बोला था लास्ट सप्ताह, लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा ये तीसरा शनिवार होना चाहिए। शनिवार फिक्स याद रखिएगा, तीसरा शनिवार इसका आंसर सही जाएगा। दीजिए अपने जवाब सभी मित्र लोग। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। दीजिए जवाब फटाफट। आंसर क्या मित्रों इसका? 19 सितंबर, यानी ए इसका सही आंसर है। यह दिवस सैकड़ों देशों में प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, यह भी तीसरा शनिवार को, ठीक है ना। इस दिवस को 1986 से मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने मित्रों, बताइए। ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जल्दी कमेंट कीजिए मित्रों, समय हो चुका है, क्वेश्चन अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? ईईएसएल है मित्रों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बने? इस क्वेश्चन का जवाब दें। आंसर आ रहा है मित्रों रजत सूद, बिल्कुल सही आंसर है। रजत सूद जो है इसके नए क्या बने? प्रबंध निदेशक बने मित्रों। स्थापना हुई इसकी 2009 में, ये ध्यान रखेगा, 2009 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर मित्रों दिल्ली या नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी कहां पर मित्रों सतर्कता आयोग बनेगा? सतर्कता आयोग, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ भ्रष्टाचार को कम करने, जांच करने और पारदर्शिता के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? सतर्कता आयोग, और कहां बनाया गया यह भी मित्रों जवाब दीजिए आप। क्या बात हनुमान लाल जी, बहुत बढ़िया शानदार जवाब, दीजिए इसका जवाब। ये मित्रों पंजाब में, कहां पर मित्रों? पंजाब, यानी पंजाब में जो है ये सतर्कता या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आयोग। सब डी कैसे बता रहे हैं? डी, एक विद्यार्थी डी बताना स्टार्ट कर देता है, सब डी पे आ जाते हैं। अरे वाह, पंजाब में मित्रों, कहां पर मनाया जा रहा है? पंजाब में शुरू किया ये। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी आप जानते ही हो। कैप्टन अमरिंदर कौन है यहां पर? मुख्यमंत्री। चले आगे मित्रों, क्वेश्चन बहुत हैं, फिर थोड़ा स्पीड से बढ़ा देता हूं मैं, वैसे स्पीड शुरू से चल ही रही है अपनी, फिर भी क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, अभी अपन ने शुरू में देखी थी।
हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ, ये कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक और फिल्म निर्देशक, कौन थे मित्रों बताइए? ये तो मेरे हिसाब से सब मित्रों को पता होना चाहिए। कौन थे मित्रों? अरे पत्रकार कौन जवाब दे रहा है? ओनली स्टडी क्लास, अभी आया तो लेट आया है। बता चुका हूं स्टार्टिंग में, बता दिया था मैंने, क्या है मित्रों? ये गायक हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम कौन है? गायक, सिंगर, मैंने बताया था। इन्होंने लगभग 4000 से अधिक गाने गाए हैं और 16 से अधिक भाषाओं में गाने गाए मित्रों। बहुत बड़ी हस्ती है जो अब दुनिया में नहीं रही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अश्विनी योजना की शुरू की है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने ग्राम परिवहन अश्विनी योजना की शुरुआत की है? आंसर क्या मित्रों इसका? असम। क्या आंसर है? अब असम इसका सही आंसर है, असम। ये जो मित्रों ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने शुरू किया है। यानी इसका मतलब यह है जो ग्रामीण इलाके के जो लोग रोजगार के लिए शहरों तक आते हैं उनको व्हीकल उपलब्ध करवाए जाएंगे, लाइट मोटर व्हीकल। कैसे व्हीकल उपलब्ध कराएंगे? लाइट मोटर व्हीकल LMV, जिनसे वो आ जा सकेंगे, ये सरकार इनको उपलब्ध करवाने वाली। तो आंसर क्या है इसका? सी आंसर है। चलिए और अपन असम से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, अभी आया था क्वेश्चन मित्रों। राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी दिसपुर, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चलता है यहाँ पर, हिमा दास को डीग एक्सप्रेस कहा जाता है, धनवंतरी योजना यहाँ पर है, धनवंतरी रथ योजना कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत के एकमात्र गोल्डन बाग कांजीनगर नेशनल पार्क में देखने को मिले मित्रों, ठीक है ना? तो ये भी आपको मेरे हिसाब से ध्यान होगा। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, आमिर खान, सोनू सूद और जमील खान। एसर इंडिया मित्रों, आज तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गजब हो गया, ये मतलब एडिटिंग मैंने की तो थी लेकिन क्या पता क्या हुआ। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, आमिर खान, सोनू सूद। तो आंसर आप सबको पता होगा, सोनू सूद है। एसर इंडिया के क्या बने मित्रों? ब्रांड एम्बेसडर बने। क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर। एसर इंडिया आप जानते होंगे एक लैपटॉप कंपनी है, ठीक है मित्रों। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? सोनू सूद बन गए। और अभी आप पता होगा बजाज एलियंस का जो है कौन बना था मित्रों? बजाज एलियंस से बताइए कमेंट करके। ये बजाज एलियंस से आयुष्मान खुराना, मित्रा से या मिंट्रा से क्या है? कियारा आडवाणी। SBTO टॉप है मित्रों, SBTO, ये मिंत्रा SBTO। मैंने बताया था ऑनलाइन सट्टा होता है, इसके ड्वेन ब्राव बने, ऑनलाइन गेमिंग के बने थे सुरेश रैना। तो ये भी मेरे हिसाब से ये जो अभी बने हाल ही में उनकी जानकारी आप तक मिल गई मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ये तो कल ही था मित्रों, और मैं भी एक फार्मासिस्ट हूं तो आप सभी ने मेरे को अब दे दो विश, कल नहीं किया तो अब कर दीजिए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो सितंबर 25 या 25 सितंबर को मित्रों मनाया जाता है, ठीक है ना? और क्यों मनाया जाता है? कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए, नई नई दवाएं खोजी जाए। ये कार्य कौन करता मित्रों? फार्मासिस्ट। यानी एक फार्मासिस्ट को लोग ज्यादा जानते नहीं अपन भारत में, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जितने भी दुनिया में दवाइयां हैं वो जितने भी सर्जिकल आइटम्स हैं वो कोई भी नई दवा खोजनी है। जैसे मान लो अभी कोरोना की दवा खोजेगा तो कोरोना की दवा मित्रों डॉक्टर नहीं खोजने वाला है। जो डॉक्टर भगवान है, मैं भी मानता हूं भगवान है, वो नहीं खोजने वाला, और न ही नर्स, कंपाउंडर या कोई और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ खोजने वाला है। कौन खोजने वाला मित्रों? वो फार्मासिस्ट है। कौन है वो? फार्मासिस्ट। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि अपने देश में अभी तक इन फार्मासिस्ट को
एक उचित कैडर नहीं मिला, उनको उचित सम्मान नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं, यानी डायरेक्ट लोगों को नहीं दिखते कि कोई काम भी कर रहा है, क्योंकि आपके जो डायरेक्ट इंजेक्शन ठूसता है वो ही लगता है यही भगवान है। ये पता नहीं दुनिया को कि ये इंजेक्शन बना कौन रहा है, ये टेबलेट जिनसे लोग जिंदा रह रहे बना कौन रहा है, बात समझ में आई? तो ये होता है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट जो है दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं वो बनाता है। इसी के उपलक्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को हर वर्ष मित्रों मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। तो मैंने कहा ना, यानी किसान, अभी एक मित्र ऑनलाइन स्टडी क्लासेस कमेंट भी कर रहा है, यानी कि किसान पुत्र मैं हूं बिल्कुल, और इनोवेशन अपने खून में, अपने रग रग में है, और हर भारतीय के रग रग में, बस उसको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है मित्रों, अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। कब से मनाया जा रहा है मित्रों? यह मनाया जा रहा है 1912 से। अभी तक भी अपने भारतीयों में मुश्किल से 5% लोग भी नहीं जानते कि फार्मासिस्ट दिवस क्या होता है, क्या इसका महत्व है, जबकि 1912 से मित्रों ही मनाया जा रहा है। क्यों नहीं पहचानते मित्रों? इसके पीछे भी बहुत सारी साजिशें होती हैं, क्योंकि एक्चुअल वो होता है ना, अरे कोई नेता बनता है नेता, उस नेता के पीछे बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं उसको नेता बनाने में, लेकिन लोग उनको नहीं पहचान पाते कि इसको, जैसे अभी गांव में सरपंच बनने वाले हैं तो सरपंच के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं जो उसको सरपंच बनाएंगे, तो वो ये तो डॉक्टर और नर्सेज जो है आज बिल्कुल वाजिब है, उनको हक, उनके अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन आज फार्मासिस्ट शोषित है पूरे देश में। इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सारा काम जो कर रहा है वो फार्मासिस्ट करता है, जो दवाएं बनाता है वो फार्मासिस्ट बनाता है, सारा काम जो करता है फार्मासिस्ट। लेकिन आज भारत सरकार को ये लगता है कि फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मासिस्ट केवल रिसर्च क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा, क्योंकि ये सारे के सारे ड्रग बनाने वाले प्राइवेट कंपनी है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने वाले आईएएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो अपने फेवर के, अपने लोगों के हिसाब से पॉलिसियां बनाते रहते हैं। चलिए आगे बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनूठा ट्रंप पुस्तकालय कहां पर शुरू किया गया? यह ट्रंप नहीं मित्रों, अनूठा ट्रंप पुस्तकालय कहां पर शुरू किया गया, यानी यह है कि अब आपके घर घर पुस्तकालय आएगा, घर घर पुस्तकालय, यानी एक बस सी होगी, उस बस के अंदर बहुत सारी पुस्तकें होंगी, और जिसको जो चाहिए वो पुस्तक ले ले, इसको बोलते हैं मित्रों अनूठा ट्रंप पुस्तकालय। तो आपसे यह पूछा गया कि इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, बताइए मित्रों। हाँ हनुमान जी, बिल्कुल आपकी सही बात है, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन डिस्कवरी इन मेडिसिन, बिल्कुल। लेकिन फार्मासिस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ता है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने पैथोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने मैं बात करूं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ी है। फार्मेसी में जो विद्यार्थी बी फार्मा करता है, जो एम फार्मा करता है, जो पीएचडी करता है, एम फार्मा तक मैंने एम फार्मा किया है, तो उन विद्यार्थियों तक पूछेगा कि भैया क्या क्या इसके अंदर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं मित्रों, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है, ये सारी चीजें, इसका आंसर दे दीजिए मित्रों, अनूठा ट्रंप पुस्तकालय कहां शुरू हुआ है? सी अधिकांश विद्यार्थी जवाब हो रहा है, सी बिल्कुल मित्रों, कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए तो मित्रों आज अपन क्वेश्चनों की जो सीरीज है इसको यहीं रोकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी हैं, लेकिन अब रहने देते हैं, क्योंकि अपने नेक्स्ट जो क्लास है आप सबको पता होगी कि वो नेक्स्ट क्लास क्या है मित्रों, वो नेक्स्ट क्लास होने वाली मित्रों किसकी, नेक्स्ट क्लास होगी मित्रों अपनी राज्यपाल की शक्तियों की। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नेक्स्ट में लेके आ रहा हूं, विद इन 2 मिनट आपके सामने आऊंगा, आप सभी लोग मैं हूं तब तक जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, आपका साथ आपका सहयोग हमेशा बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।